अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, बहुत से लोगों का ये ख़्याल है और वो ये कहते हैं कि मोबाइल में कुरान करीम को देखकर पढ़ना या सुनना जायज़ नहीं है। उनका यह ख़्याल गलत है। सही मसला ये है कि मोबाइल में भी कुरान करीम को पढ़ना जायज़ है, कुरान करीम को सुनना जायज़ है। अलबत्ता इस बात का ख़्याल रहें कि जब कुरान करीम मोबाइल में खुला हुआ हो तो स्क्रीन पर छूने के लिए, उसके सफ़ात को पलटने के लिए बावजू होना ज़रूरी है। कुरान करीम अगर मोबाइल में खुला हुआ है तो उसके सफ़े कोई बेवजू पलटे तो ये जायज़ नहीं है। और ये बात भी याद रखें कि मोबाइल में कुरान करीम तो पढ़ना जायज़ तो है, लेकिन हिस्सी तौर पर कुरान करीम को जो छूने का सवाब मिलता है, उस सवाब के मिलने से वो शख्स महरूम रहेगा। कुरान करीम पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुरान करीम को जो छूने का सवाब है, उस सवाब से वो महरूम रहेगा। इसलिए बेहतर है कि कुरान करीम को देखकर पढ़े हिस्सी तौर पर, और कभी ज़रूरत पेश आए सफ़र वगैरह में अगर तिलावत करनी है और कुरान करीम साथ नहीं है, तो फिर मोबाइल में देखकर कुरान करीम पढ़े या सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ।